हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ अपने पैरों की देखभाल कैसे करती हूँ मैं। मतलब जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है मैं अपने पैरों का देखभाल करना शुरू कर देती हूँ। साथ ही अगर आप आलता लगाते हैं, क्योंकि मैं आलता हमेशा लगाती हूँ, तो वैसे में भी मुझे अपने पैरों का देखभाल करना होता है। देख सकते हैं कि मेरे पैरों में आलता लगा हुआ है, थोड़ा बहुत लालिमा आपको दिख रही होगी और आपको पैर के ऊपर भी दिख रहा होगा। तो ये आलता अभी अभी मैं जस्ट संडे को अपलोड की थी, जो कि 1985 की फिल्मों में किस तरह से आलता लगाया जाता था वो डिज़ाइन मैं आपको लगाकर दिखाई थी। तो उसी का थोड़ा थोड़ा प्रिंट आपको दिख रहा होगा पैरों के ऊपर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है ना कि जो अपने पैरों का ख्याल नहीं रखते हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आपके पैर फट रहे हैं या फिर रूखा है आपका पैर या फिर खुरदुरा सा है और ड्राई ड्राई है, तो आप अपने पैरों का ख्याल कम बजट में कैसे रख सकते हैं, क्या यूज़ करेंगे कि आपका पैर कम पैसे में ही खूबसूरत और मुलायम सा रह सके। और अपने पैरों की देखभाल हर किसी को करना चाहिए, चाहे तो वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ी सी लड़की या लड़का हो, कोई भी अपने पैरों का देखभाल आप कम पैसे में भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं बताऊंगी आपको बोरोलिन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ अपने पैरों को रख ली हूँ और मैं अभी अपने इसी पैरों में आपको लगा करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, होता क्या ना कि ठंड आ गया है, तो ठंड आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई कि क्योंकि मौसम में नमी आ गई और बहुत ठंडा भी लगने लगा, हम लोग का हाथ पर भी ड्राई होने लगा। तो मैं झट से दुकान गई और दुकान से मैं ले आई अपने लिए घर में बोरोलिन, क्योंकि ठंड आ ही चुकी है। तो ये देखिए, ये है बोरोलिन जो कि मैं दुकान से ले आई, क्योंकि अभी ना हम लोग के होंठ भी फट रहे हैं, कहीं अगर किसी का कट छट गया है तो भी ये जो बोरोलिन है ना वो काम आता है। और इसका प्राइस आपको बता दूँ कि मात्र 10 रुपये है। ये आपकी छोटी सी डिबिया मिल जाती है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फिर जनरल स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी, सिंगार स्टोर में भी मिल जाएगी, कहीं भी आप इसको ढूंढते हो, शहर गाँव हर जगह ये आपको मिल जाएगी। तो इसको ना मैं अपने पैरों में लगाऊंगी आज, और पैरों में और पैर के तलवों में, उंगलियों में भी, नाखून में, अगल बगल चारों तरफ मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं कि ये छोटी सी डिबिया है, लेकिन इसके काम अनेक है। अगर आपके होंठ फट रहे हो, आपके हाथ पैर फट रहे हो, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ये 10 रुपये का है ना, इसको आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, अपने छोटे से पर्स में रख सकते हैं, लेडीज़ लोग पर्स में रख सकती है, अगर कोई बच्चा है तो आप स्कूल भी ले जा सकते हो, छोटा सा अपने साथ रख के, कॉलेज जाने वाली हैं तो भी आप रख सकते हो, कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं तो भी आप इसको अपने पास रख सकते हैं, या फिर अगर आप अपने बेडरूम में भी अपने बेड के पास रख सकते हैं और सोने के वक्त आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं और ये मात्र छोटी सी मिलती है और इसकी तो खुशबू तो दोस्तों, ये जो इतनी क्रीम ज़्यादा है अच्छी ना, वो मुझे इतनी 10 ज़्यादा रुपए की पसंद मिलती आती है। है, इसका और नाम है मैं बता दूं कि बोरोलिन, ये बिल्कुल ठीक ही है। इसमें आपको आयुर्वेदिक हाथी है का और निशान इसका मिल डब्बा जाता भी है, आप देख और सकते हैं ये कि ग्रीन पहले इस कलर का टाइप के है। डब्बे में नहीं इसका आता था, वो स्मेल बड़ा सा आता इतना था, ज़्यादा एकदम अच्छा है लंबा ना सा होता कि था, मैं आपको क्या उस टाइप बताऊँ, के ट्यूब में मतलब आता था, इसकी जो लेकिन बड़ी अभी वाली है ना ट्यूब आपको आती इस है टाइप ना के उस थोड़े से वक्त ट्यूब में से मिल जाता है, मात्र मैं 10 इसको रुपए जान में, रही और ये हूँ। ये तो काफ़ी अभी ज़्यादा छोटी लंबे छोटी तब आ रही है, भी पहले तो बड़ी बड़ी चलता आती है। थी और ये ट्यूब 6 ग्राम में, वो का होता शायद है, सत्तर इसकी अस्सी एक्सपायरी रुपये आप का या हमेशा फिर देख कुछ भी करिए, ये आती होगी। 12 2000 तो ये MFG आपको दिख रहा होगा कि ये 12 2020 में से है, बनी ठीक है। है। तो मैं अभी अभी और जस्ट ही कुछ दिनों पहले मैं दुकान से इसके लेकर आई बारे हूँ में और कुछ अभी थोड़ा जानकारी बहुत है यूज़ यहाँ भी कर दी ली हुई है, हूँ। जो कि ये मुझे काफ़ी पसंद है, और क्योंकि जब मैं इसकी छोटी थी ना खुशबू तो इतनी ज़्यादा मेरी अच्छी है, नानी मतलब के यहाँ मेरी यही वाला क्रीम नानी यूज अपने होता था, टाइम से इसका जो इसको स्मेल यूज़ है कर वो रही है, काफ़ी तो ज़्यादा अच्छा इसकी है, काफ़ी खुशबू से ज़्यादा मुझे ना बढ़िया है हमेशा मेरी अपनी खीर। नानी का घर का तो याद अभी आता ठंड है, आ चुका है और क्योंकि मेरे घर में एक जब ही मैं नहीं नानी था घर आंटी जाती थी साहब ना की तो हमेशा कोई भी वहाँ पे क्रीम, बोरोलिन जिसको होंठ हमेशा में लगाया रहता जाए, था। एड़ियों में लगाया जाए, तो तो जब मेरा भी हम पर्स लोग ही का जीव होंठ लगा फटता लीजिए, है या दुकान में पैर यही कुछ लंबी भी मिली है, प्रॉब्लम मैं होती तो हम हमेशा लोग बोलते इसको थे कि नानी खोजती हूँ, पैर में क्योंकि ये लगाने के लिए काफ़ी या होंठ पे लगाने अच्छी के लिए होती है। दीजिए, आप तो देख वो सकते हमेशा हैं कि निकाल 10 किलो करके यही इसकी हम लोगों क्वांटिटी को सिक्स देती थी। ग्राम आपको मिल यहाँ जाती तक है, कि अगर मैं अभी भी चली यहाँ पे जाऊँ आपको ना तो मेरी दिखाऊंगी नानी के मिल पास जाता ये बोरोलिन, वाला जरूर मिलेगा बोरोलिन। और मतलब ये इतना काफ़ी अच्छा, ज़्यादा इसकी अच्छी खुशबू भी है, और इतनी इसकी ज़्यादा स्मेल अच्छी आप ना, मुझे सुनकर बोरो देख प्लस सकते का हैं कि खुशबू काफ़ी उतना ज़्यादा ज़्यादा पसंद नहीं है, अच्छी बिल्कुल भी इसकी पसंद स्मेल। नहीं जब है, भी मैं सुनती हूँ लेकिन क्योंकि ये अपने नानी बोरोलिन याद की आ जाती है, खुशबू क्योंकि मुझे मेरे नानी के लिए बहुत ही अक्सर ज़्यादा यही पसंद क्रीम है यूज़ होता है, और और कोई ये नहीं इतने यही कम क्रीम यूज़ पैसे में होता मिल है। जा रही है। पहले तो काफ़ी इसको महंगी मिलती थी बड़ी, लेकिन अभी तो हमेशा 10 रुपये आपको में रात को मिल जा लगाना रही है। है,
तो और दस दिन में रुपये भी तो आप बहुत इसको ले ज़्यादा नहीं सकते होता हैं। है, कोई गरीब और साथ ही इंसान भी कैसे इसको लगाना है खरीद वो भी मैं करके अपने बताऊंगी। पास रख तो इसको सकता आप है, खुद पे भी और लगा सकते हो, ठंड अगर में आपका तो पैर कोट पे में भी लगाने कच्चा में छटा सबसे है या ज़्यादा स्किन में काम आता है, कहीं तो भी मैं आपका इसको फुल बॉडी अपने में कहीं भी कट पैरों में छटा होता है लगाने ना, के छोटा लिए मोटा चोट, यूज़ करने आप वहाँ वाली भी हूँ लगा आज। सकते हैं, आपका बहुत ही जल्द घाव तो खुल जाता दोस्तों है। अगर आपके आप मेरे अगर चैनल होंठ पर नए काफ़ी हैं ज़्यादा और फट चैनल गए पे हैं, खून आ पहली रहा है बार तो भी मेरा आप वीडियो इसको देख रहे लगाइए हैं ना, तो आपका होंठ प्लीज़ काफ़ी मेरे ज़्यादा चैनल को स्मूथ बन सब्सक्राइब जाएगा कर लीजिए, बेल और आइकन को बहुत ही क्लिक कर लीजिए। सॉफ्ट सॉफ्ट सा साथ ही लगेगा, अगर आपके आपको होंठ मेरी जल्दी वीडियो फटेंगे पसंद नहीं इसको आती है तो लगाते आप रहिए। इसको लाइक कर आपके सकते होंठ, हैं पैर, और ज़्यादा से एड़ियां, ज़्यादा यहाँ तक शेयर कि भी नाखून कर में ये सकते जो हैं। ऐसे तो अभी रूखा मैं पन ना रहता क्या है ना करूँगी, रूखापन अपने या फिर यहाँ नाखून कटा के छटा चारों सा तरफ में स्किन लगाऊंगी, डैमेज क्योंकि हुआ है, वो नाखून भी के सब अगल कुछ बगल ठीक भी हो जो जाता है, हमारा तो मैं आपको स्किन सब होता है जगह ना वो लगा कर काफ़ी दिखाऊंगी। हार्ड हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू नेल पॉलिश लगाते लगाते अगल बगल की चमड़ियाँ ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि हमारे पैर की एड़ियाँ या फिर ये सोल जो होते हैं ना वो चलते चलते नंगे पैर वो रूखापन आ जाता है। तो इन सभी को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ, ये देखिए बोरोलिन इस तरह से, तो मैं नाखूनों के ना चारों तरफ लगाऊंगी, जितने भी मेरे नेल्स हैं। नाखून पे नहीं लगा रही हूँ मैं, नाखून के अगल बगल लगा रही हूँ। इससे हमारा नेल्स भी सॉफ्ट रहता है और साथ ही नेल्स के अगल बगल का एरिया भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। कभी कभी होता है कि हमारे नेल्स भी है ना रूखे रूखे से दिखते हैं और छूने पे आपको ना खुरदरा खुरदरा महसूस होगा, तो वैसे में आप बोरोलिन लगाइए, ये आपके लिए फ़ायदा वाला काम करेगा। अगर आपको पैरों में पानी भी लग जा रहा है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ठंड तो अभी शुरुआत है, अभी ठंड तो बहुत बाकी है, ऐसे में तो एड़ियाँ इतनी ज़्यादा फटती हैं, तो अभी से क्यों ना केयर किया जाए ताकि एड़ियाँ फटने की नौबत ही नहीं आए। तो यहाँ देखिए मेरी एड़ियाँ बिल्कुल भी फटी नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। बस वो ना जैसे कि मैं दिन भर बहुत ज़्यादा चलते रहती हूँ इसलिए वहाँ पे ना इस टाइप से बन गया है, जैसे कि वहाँ क्रैक है, लेकिन मेरी एड़ियाँ क्रैक नहीं है। मेरी जो एड़ियाँ क्रैक थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो मैं जब भी नंगे पैर चलती हूँ तो यहाँ वाला एरिया मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, क्योंकि मैं मतलब आराम कम करती हूँ और काम ज़्यादा ही करती हूँ, तो मुझे दिन भर चलना ही रहता है, इसलिए मेरा पैर कभी भी फुर्सत में नहीं होता है, बहुत कम ही टाइम के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे सोल पे भी लगाऊंगी, जो बीच वाला भाग है ना मेरा वहाँ पे कोई भी खुरदरा नहीं होता, क्योंकि वो तो हिस्सा ज़मीन पे आता ही नहीं है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो ये उंगलियाँ आती हैं, उंगलियाँ के पास वाला जो आप देख रहे हैं वहाँ आता है, और ये एड़ियों की तरफ का हिस्सा आता है। तो वहाँ पे मेरा ना ऐसे ज़्यादा चलने से वो फटने जैसा भी हो जाता है कभी कभी, और बहुत लोगों की मुझे लगता है होता होगा। तो आप लोग भी इस टाइप से ज़रूर ट्राई करें, यूज़ करें आप ऐसे। तो ये देखिए उंगलियों के बीच में भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ भी मैं आलता लगाती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा मेरे जो है ना ये ड्राई हो जाते हैं, तो मैं यहाँ लगाना पसंद करती हूँ। जो आलता लगाते हैं आप लोग भी यहाँ ज़रूर लगाएं। और इस तरह से मसाज करने से क्या होता है ना कि जो क्रीम है वो अंदर तक चली जाती है और काम अच्छे से करती है। केवल आप लगा के छोड़ दोगे तो आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर लगा रहे हो तो उसको थोड़ा सा मसाज भी कर दें, तो इसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पैरों को। तो मैं यहाँ पे देखिए एक पैर में लगा ली हूँ, अब मैं दूसरे वाले पैर में भी लगाऊंगी। तो ये है मेरा दूसरा वाला पैर जहाँ पे मैं शुरुआत कर रही हूँ एड़ियों से। तो मैं एक दो दिन पहले लगाई थी, एक दिन पहले ही आलता लगाई थी मैं, तो मेरे जो पैरों की एड़ियाँ हैं ना वो रेड दिख रही है, और आलता लगाने के बाद थोड़ा सा तो ड्राई हो ही जाता है। तो मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ अपने पैरों का, जब भी मैं आलता लगाती हूँ उसके बाद जल्दी से जब मैं नहाने जाती हूँ थोड़ा बहुत तो रंग निकल ही जाता है आलता का, तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से उसको धुल लेती हूँ और फिर कोई भी लोशन या फिर यही एंटीसेप्टिक बोरो प्लस या बोरोलिन लगाती हूँ। लेकिन आज तो मैं बोरोलिन की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि दुकान में बोरो प्लस भी था और बोरोलिन भी था, लेकिन मैं बोरोलिन ही ली, बोरो प्लस नहीं ली, मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मैं गई थी दुकान में बोरो प्लस ही पूछने, मुझे बोरोलिन के बारे में याद नहीं था, तो उन्होंने बताया कि बोरो प्लस नहीं है, पाउच वाला जो 5 रुपए की आती है तो बोरोलिन है। तो हम बोले कि हाँ हाँ ठीक है यही दे दीजिए, मुझे यही पसंद है, तो मैं यही लेकर आई हूँ। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी।
और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। आपका बोरो प्लस से ठीक नहीं होगा पैर, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इसका यूज़ करके तो देखिए एक बार, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपके होंठ फट से गए हैं ना, पूरा खून निकलने लगा है, आप इसको यूज़ करके देखिए। आपके पैर हो चाहे होंठ हो, ठीक होना ही होना है। या फिर आपकी जो हाथों की केहनियाँ हैं, वहाँ अगर कालापन रुखापन हो गया है, रुखापन, तो भी आप वहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं देखिए उंगलियों के बीच बीच में नेल्स पे सब जगह मैं लगा ली हूँ और सब जगह मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मेरे पैर थोड़े से चमक भी रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है, थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पैरों में लग चुका है। तो इस तरह से आप अपने पैरों में लगा लें, और चाहे तो सॉक्स पहने चाहे तो ना पहने। तो मैं यहाँ सॉक्स नहीं पहनने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।